नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि एस्पेरेगस फन के सीड्स कैसे होते हैं और उनको कैसे ग्रो किया जाता है। तो दोस्तों, एस्पेरेगस फन का प्लांट फन फैमिली का ही प्लांट होता है और इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और इसमें नीचे बल्ब होते हैं इस तरह के, आपको ये दिख रहे होंगे, तो आप इसको बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके सीड ये लगे हुए हैं, पहले इसमें ना इस तरह के फ्लावर आते हैं, ये छोटे छोटे से जो आए हुए हैं वाइट कलर के, और फिर उसके बाद इस तरह के ये छोटे, ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, इस तरह के बनते हैं। और फिर उसके बाद ये सूख जाते हैं, जैसे कि ये सूख गए हैं, अभी आपको एक तोड़ के दिखाते हैं। तो ये इस तरह का ये हो गया है सीड। तो इसको आप अगर जैसे ग्रो कर देते हो सैंडी सॉइल में, तो फिर इसमें से भी इस तरह का प्लांट निकल आता है। और दोस्तों, एस्पेरेगस का प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। वैसे तो आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये प्लांट बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में भी आसानी से चल जाता है। तो हमारा ये प्लांट भी है ना, बिल्कुल ओपन में ही हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है, और लगा हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। और सीड से ये, इस ये जो सीड लगा हुआ है, तो सीड से भी ये आसानी से ग्रो हो जाता है और बल्ब से भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्लांट के अगर सॉइल मीडिया की बात करें, तो इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। इसके लिए एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कॉम्पोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। तो इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और दोस्तों, इसको पानी की कम ही ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ना एक बल्बस प्लांट होता है। वैसे तो ये सीड से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन इसमें ना नीचे बल्ब होते हैं, तो बल्ब को पानी की कम ही ज़रूरत होती है, क्योंकि उनमें मॉइस्चर भरा रहता है। तो पानी ज़्यादा डालने से ये प्लांट गल भी सकता है, तो इसलिए हमें पानी की बिल्कुल ध्यान रखना है पानी का। और दोस्तों, इस प्लांट में कभी भी है ना मिलीबग का अटैक नहीं होता है, क्योंकि ये प्लांट हमारे पास लगभग 4 से 5 सालों से है, तो अभी तक इसमें मिलीबग का अटैक हमने नहीं देखा है। और हमारे प्लांट में अब तो फ्लावर ये कितने सारे आ रहे हैं, तो प्लांट ना मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद ही इसमें फ्लावर आते हैं और इस तरह के सीड बनते हैं। क्योंकि इससे पहले इसमें हमने इस तरह के फ्लावर देखे थे, लेकिन है ना वो झड़ गए थे, एक भी इस तरह का सीड नहीं बना था, फ्लावर आए थे और झड़ गए थे। और इस मतलब जैसे ये प्लांट अब मैच्योर हो गया है, तो इसमें ये सीड भी बन गए हैं। तो आप इनको या तो तोड़ के रख सकते हैं, या फिर आप इनको अभी भी ग्रो कर सकते हैं। तो इनके सीड ना वैसे बरसात के मौसम में ही ग्रो करने चाहिए, और ये प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप नर्सरी से लाके भी लगा सकते हैं, और सीड से भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और हमारे गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ाता है, और हैंगिंग बास्केट के लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट प्लांट होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप इस प्लांट को नहीं लाए हैं, तो नर्सरी से लाके अब भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और इस तरह के अगर हम 5 से 7 गमले बना लेते हैं, तो फिर हमारे गार्डन में बिल्कुल ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और परमानेंट प्लांट होता है। तो दोस्तों, अगर इसके प्राइस की बात करें, तो प्लांट हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ इस तरह का 150 से 200 के बीच में आएगा। और आप पॉली बैग में लेते हो, तो वो बिल्कुल ही है ना छोटा सा प्लांट आता है, और हेल्दी भी नहीं होता है, तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम आएगा, मतलब 50-60 रुपये में आपको मिल जाएगा। और भरा हुआ हैंगिंग बास्केट भरी हुई या फिर पॉट भरा हुआ, थोड़ा सा ये प्लांट कॉस्टली ही मिलता है।
और दोस्तों ये प्लांट नीचे से बल्ब निकालता रहता है, बेबी बल्ब देता रहता है, तो उससे भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं और इसको आप सीड से भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में ये कितने सारे फ्लावर भी बने हुए हैं, और उसके बाद ये ग्रीन सीड है और ये बिल्कुल सीड रेडी हो चुका है। तो इसको आप तोड़ के ग्रो कर सकते हैं, तो हम भी इसको तोड़ के रख लेंगे तो बरसात के मौसम में इसको ग्रो कर देंगे, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट होता है और एक बार लगाने के बाद कई साल तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है और हमारे गार्डन में ग्रीनरी को ऐड करता है। और दोस्तों ये प्लांट हमेशा गर्मी हो या सर्दी हो हमेशा ही हरा भरा रहता है, इसकी पत्तियां बिल्कुल ही ग्रीन रहती है और ये शेड में भी चल जाता है और आप इसको बिल्कुल फुल सनलाइट में भी रख सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।